मॉर्निंग चिल्ड्रेन, पिछली बार हम लोग ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किया था। अब है आपका फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी आपके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बना सकते हैं फॉर्म एडजेक्टिव्स। जैसे फॉल्स है तो उसमें हुड लग गया तो फॉल्स हुड हो गया, लॉन्ग का लेंथ हो गया, ब्रेव का ब्रेवरी हो गया। कुछ वर्ब्स में से भी बनाए जाते हैं, जैसे आपका जज का जजमेंट, चूज़ का चॉइस, नो का नॉलेज। कुछ कॉमन नाउन्स में से भी बनता है आपका, जैसे स्लेव एक नाउन है और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा स्लेवरी, फ्रेंड फ्रेंडशिप, चाइल्ड चाइल्डहुड। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिसमें कुछ सफिक्सेस लग करके वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं, जैसे प्राइवेट का प्राइवेसी, ब्रेक का ब्रेकेज, पास का पैसेज, शॉर्ट का शॉर्टेज, कैरी का कैरिएज, मैरी का मैरिज, वेस्ट का वेस्टेज। कुछ में ए एल लगा करके होता है, जैसे अराइव है, अराइव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा अराइवल, डिसमेस है, डिसमिस का डिसमेसल। कुछ में ए एन सी लगता है, कुछ में डी ओ एम लगता है, जैसे फ्री का फ्रीडम, वाइस का विजडम। इसी तरीके से कई ऐसे सफिक्सेस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जिसको मिला करके हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। नेक्स्ट पेज में आपके एक्सरसाइज दी हुई है। अब इस एक्सरसाइज को देखिए, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद द नाउन्स फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू डैश। इसमें आंसर क्या होगा आपका, परफेक्शन कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू प्रैक्टिस। यहाँ प्रैक्टिस में पी आर ए सी टी आई सी ई लिखिएगा। अवॉइडिंग द क्वेरल वॉज विजडम एंड नॉट कावर्डिस, सी ओ डब्ल्यू ए आर डी आई सी ई। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर द वेडिंग दे गेव अ ग्रैंड रिसेप्शन। टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, देर इज नो वैकेंसी इन द ऑफिस, द फैक्ट्री फेस्ड एंड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रॉ मटीरियल, द स्पेक्टेटर्स बर्स्ट इंटू लाफ्टर एट द साइट ऑफ द क्लाउन, एंड डैश वॉज एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को लिखना है, इसकी फ़ोटो भी मैं क्लिक करके आपको भेज दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इट रेफर्स टू अ ग्रुप और सेट ऑफ एनिमल्स। ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स या थिंग्स को जब यूनाइट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कई चाबियां हैं तो उसको हम बोलते हैं अ बंच ऑफ कीज, कई मधुमक्खियां हैं तो उनको हम बोलेंगे अ स्वैर्म ऑफ बीज, फिर अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ गैंग ऑफ थीव्स। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन है जिसको आपको याद होना चाहिए। इसमें टोटल 30 दिए हैं और नीचे कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं नेक्स्ट पेज में आपके, जो कि आपका डोनेटिंग द ग्रुप ऑफ पीपल्स है। जैसे नंबर ऑफ पीपल जो लेक्चर सुन रहे हैं उनको हम बोलते हैं ऑडियंस, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वहाँ इकट्ठा हुए हैं उसको हम बोलते हैं क्राउड। द नंबर ऑफ पीपल एट अ रिलीजियस मीटिंग उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। अ नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच उसको हम बोलेंगे स्पेक्टेटर्स। नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर सम कॉमन पर्पस उसको हम बोलेंगे असेंबली। अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड फ्रॉम सम डिस्ट्रक्टिव यानी तोड़ फोड़ करने वाले तो उसको हम बोलेंगे मॉब। एंड अ नंबर ऑफ सेवेज पीपल उसको हम बोलेंगे हॉडी। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन है, उसी से रिलेटेड नीचे आपको एक्सरसाइजेज दी गई हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी है। अब आज जो हमने पढ़ाया है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज नंबर बी, एक्सरसाइज नंबर डी, ई, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको बुक में ही करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर एफ और जी,
इसको भी आप बुक में करेंगे। कॉपी में आप क्या लिखेंगे? कॉपी में आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें मैं आपको टिक करके भेजूंगी कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है, वो सारी चीज़ें आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में उतारेंगे। बाकी सारी एक्सरसाइजेस आप अपनी बुक्स में ही करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। थैंक यू।